भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली करुणा शांति और अहिंसा की धरती पर दूसरी बार दो पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ। घटना मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कौशला राइस मिल के समीप की है, जहां समाचार संकलन करने के लिए गए दो पत्रकार पवन चंचल और शिव प्रसाद दास पर आरोपियों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर मारपीट करने के साथ ही मोबाइल छीनते हुए रॉड डंडे से कई घंटों तक पीटते रहे। किसी तरह से जान बचाकर भागकर थाना को फोन किया, लेकिन स्थानीय थाना ने सुध तक नहीं ली। फिर किसी तरह बचते हुए भागकर थाना पहुंचे, तब थाना पुलिस प्राथमिक उपचार के लिए बोध गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न करने से क्षेत्र के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। उस मामले में जो चावल का आदान प्रदान के मामले में वो पंकज पांडे जो है गया का सहनसा है, बादशाह है, काला बात धंधा का बादशाह है वो, तो वहाँ पे हम करने के, लेकिन इसकी इस तो हमारा काम था न्यूज़ रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग के दौरान भाई अगर प्रशासन को लगता कि इसकी जांच करने लायक है तो जांच करता, लेकिन ऐसा हमें रिपोर्टिंग करने से रोका गया और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, धारदार हथियार से भी हम लोग को पीटा गया है और हमारे पत्रकार जो कैमरा कर रहे थे उसको भी पीटा गया है, लाठी डंडा और सरिया से भी पीटा गया है और 2 घंटे तक के बंधक बनाया गया। और उनका डिमांड था कि आप 5 लाख रुपया दोगे तब हम जा कर के छोड़ेंगे, लेकिन हमारे जो शिव प्रसाद दास जो पत्रकार हैं वो अनुसूचित जाति से हैं, तो उनको बिनेवापुरी के लोगों को कुछ खबर पता चला तो वहाँ पे सतीश दास विधायक आया हुआ था, सतीश दास विधायक जो आए हुए थे तो उन वहाँ से कुछ लोग आए और उसको छुड़ा करके ले गए, मुझे उसी तरह से छोड़ दिए। फिर उसके बाद फिर मुझे मौका मिला तो किसी तरह से हम वहाँ से भाग निकले तो तुरंत हम मगध यूनिवर्सिटी थाना पहुँचे। वहाँ पे गए तो थाना से जो है इंजरी मुझे काट करके दिया गया कि आप पहले जाइए इलाज करवाइए, तो हम PHC हॉस्पिटल बोधगया गए सरकारी अस्पताल में। वहाँ सरकारी अस्पताल से मुझे फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया गया, टैबलेट दिया गया, दो या तीन इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन देने के बाद मुझे रेफ़र कर दिया गया कि आप मगध मेडिकल चले जाइए। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक्सरे वगैरह हुआ और पूरी बॉडी तो ये है कि सबसे पहले गया जिला में पत्रकार बहुत असहाय है, पत्रकारों को पहले सुरक्षा मिलना चाहिए, पहली प्राथमिकता पे प्रशासन को इसकी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इससे पूर्व में भी बोधगया में पत्रकारों पर हमला हुआ था, उस पर भी जानलेवा, वो भी सरकारी कार्यालय में हमला हुआ था। आए दिन मतलब कि इस तरह की घटना जो हो रहा है इसमें भी उन्हीं लोग के आदमी इन्वॉल्व हैं, ये नहीं है कि ये दूसरे गैंग के लोग हैं, ये सारे एक ही गैंग के लोग हैं और एक ही गैंग के लोग इन्वॉल्व होकर के हर जगह पर पत्रकारों को जो है हमला करने में लगे हुए हैं, पत्रकारों के ऊपर मारपीट करने, जानलेवा हमला हुआ उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार, और ये जो है पत्रकारों का ऊपर हमला नहीं है, ये जोरदार तमाचा है प्रशासन के ऊपर, SSP के ऊपर, DM के ऊपर, CM के ऊपर, Deputy CM के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, और ये संविधान के ऊपर प्रहार किया गया है। एक अदना सा मिल चलाने वाला आदमी गया जिला का मिल का बादशाह बना हुआ है, राइस का किंग बना हुआ है और पूरे जो है FCI गोदाम का हेरा फेरी मामला कर रहा है, चाहे माल FCI में जाने से लेकर हो, चाहे आने तक का हो, एक ही माल जो है बार बार टर्न अप हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो है एक अदना सा मिल मालिक इतना बड़ा करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है, और इसमें कौन कौन मिली भगत ये तो जांचों उपरांत ही सामने आएगा, इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे कि जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे भी विनती करते हैं कि आइए हम लोग भ्रष्टाचार के उखाड़ने के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम करते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए काम करते हैं, हम लोग इस ये जो भ्रष्टाचार हो रही है यहाँ पे इसको भी उजागर करने का काम करें। और साथ ही उन सभी गया जिला के सभी वासियों से भी हम ये प्रार्थना करते हैं
कि आप लोगों के लिए एक पत्रकार जो है रात में मरकर दिन में मरकर काम करता है, लेकिन साला जनता कोई सहयोग नहीं करता है। जनता जो है उसी में भ्रष्टाचारियों के साथ काला जो काम कर रहा है, उन्हीं भ्रष्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। वो किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि आइए हम लोग को साथ दीजिए, ताकि आपकी जो धान जो 11 रुपये 14 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, 20 रुपये धान का दाम है, वो क्यों नहीं मिल रहा, वो हम आप लोग को दिलवाए। और डीएम साहब से भी अपील करेंगे कि आप कहाँ सोए हुए हैं, किन लोगों के चंगुल में पड़े हुए हैं। डीएम साहब, आप अदना से आदमी के बात के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के भोजन को महंगा कर रहा है।